भाई आवाज नहीं करें। चलो आपके काम की बात बता देते। दो सहेली थी, सहेली भाईली थी। अब वो क्या हुआ कि बाद में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल चली गई। 20-25 साल तक उनका मिलना नहीं हुआ। दूर दूर ससुराल थी, फिर उनका मिलना नहीं हुआ। जब वो बाद में मिली तो एक दूसरे को देख करके बड़ी खुशी हुई और गले भी ली, बहुत खुशी हुई। अब बताओ इतने दिन बाद में मिली है, बड़ी खुशी हुई। एक सहेली पूछती है, बहन ये बता कि राजी खुशी तो है तू? उसने कहा ठीक है, सब राजी खुशी है। दूसरी ने पूछा, तू बता बहन राजी खुशी तो है? मेरी मत पूछ बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। कारण क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो कोई कारण तो होगा, कोई बात तो होगी, बता तो सही, क्या बताऊं? नहीं बता। उसने जिद की सहेली ने तो उसने बताया कि मेरे को परेशानी ये है कि मैं जब ससुराल में गई तो मेरी जो सासू माँ थी उसका स्वभाव ठीक नहीं था, और अब मैं सासू माँ बनी हूं, मेरे बेटे के बहू आ गई। अब वो जो बहू है उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसका तो जीवन गया बेकार में ही गया। पहले तो सासु माँ का स्वभाव ठीक नहीं था, और अब वो जो बहू आई है उसका स्वभाव ठीक नहीं है। अब क्या होगा उसके जीवन का, उसकी जिंदगी का? आप बहन विचार करके बताओ क्या कारण रहा उसमें। उस दूसरी बहन ने कहा, बहन मुझे तो तेरे में ही गड़बड़ लगती है, सासु में भी कमी निकाल दी स्वभाव में, और अब जो बहू आई है उसमें भी कमी निकाल दी। कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे ही स्वभाव में कुछ गड़बड़ झाला है?